फेसबुक बड़े विवाद में घिर गया है। 5 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक को लेकर उसके खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है और मुहिम भी। पहला असर उसके कारोबार पर पड़ा है। पहले फेसबुक के शेयर लुढ़क गए हैं। बाजार भाव से करीब 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के फोर्ब्स लाइव ट्रैकर के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग की अपनी दौलत को 5.5 अरब से 6.9 डॉलर तक की चोट पड़ गई। फिर उसकी जांच भी शुरू हो गई है। सीनेट की न्यायिक समिति ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के सीईओ को सुनवाई के लिए बुलाया और अब डिलीट फेसबुक कैंपेन शुरू हो गया है, जिसमें कई बड़ी आवाजें शामिल हैं। मामला 5 करोड़ यूजर्स की सूचनाओं के लीक और इस्तेमाल का है। एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये डेटा जुटाए और इनका इस्तेमाल किया। ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप और उनके चुनाव प्रचार से जुड़ी रही है। कंपनी दावा कर रही है कि उसने अब ये डेटा डिलीट कर दिया है, लेकिन अमेरिकी अखबारों न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन के मुताबिक ऐसा नहीं किया गया है। फेसबुक ने इस मामले में एक बाहरी कंपनी को ऑडिट पर लगाया है। अपने यूजर्स की सूचनाओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिए फेसबुक की आलोचना हुई है। अब बड़ा सवाल बचा हुआ है कि ये डेटा किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और कब से। यही नहीं, फेसबुक के चीफ ऑफिसर एलेक्स स्टैमर्स की भी कंपनी से विदाई है, लेकिन इस मामले में अब तक मार्क जुकरबर्ग की चुप्पी।